हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज़ भार्गवी पटेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैंडर्ड 5 मैथमेटिक्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैपिंग योर वे। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। तो हमें ये कुछ ग्रिड्स दी हुई है, ये 1/2 सेमी है, ये 1 सेंटीमीटर की है और ये 2 सेंटीमीटर की है। सो हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन अ 1 सेमी स्क्वायर ग्रिड। तो ये कुछ हमें पिक्चर्स दी हुई है, ये 1 सेमी ग्रिड की बात कर रहे हैं। ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन अ 2 सेंटीमीटर ग्रिड एंड ऑल्सो ऑन अ 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड। वन पिक्चर इज ऑलरेडी डन। तो ये दिया है जो हमें 1/2 सेंटीमीटर में बना के दिया है, सेम ऐसा 1 सेंटीमीटर के ग्रिड में भी है और सेम ऐसा ये 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में भी है। ये जो दूसरा है लीफ है और ये कार है, ये होमवर्क है, आपको खुद इधर भी दौड़ना है और ये 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में भी दौड़ना है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 times bigger, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 times bigger? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर वॉज मेड द 2 times bigger। हमने ये जो 1 सेंटीमीटर ग्रिड का था वो हमने 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बनाया, यानी कि हमने एरिया डबल किया है। एरिया डबल किया है। सो डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 times bigger? ओके, साइड डबल किया है तो एरिया डबल होगा या नहीं वो हमें चेक करना है। ओके, तो हमें अगर एरिया स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, सो हम इधर लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ढूंढना हो तो हम कैसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर भी हो सकता है। अब ये साइड कितनी है, हम पहले 1 सेंटीमीटर का देखते हैं और फिर 2 सेंटीमीटर का, ताकि हमें पता चले कि जब हमने ये साइज डबल किया तो इसका एरिया भी डबल होता है या नहीं। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर के लिए देखते हैं, तो 1 into 1, साइड क्या है 1 into 1 इज इक्वल्स टू 1 सेमी स्क्वायर। सेम ऐसे हम ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड के लिए चेक करें, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर 2 सेमी, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, तो 2 into 2, सो आंसर क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर हम ये जो ग्रिड है उसकी साइज डबल कर दें, यानी कि 1 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर कर दें, तो क्या इसका एरिया भी डबल होता है या नहीं। पर हमने ये जो इसका एरिया निकाला है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है फॉर 1 सेमी के लिए है, तो वो कितना मिलता है हमें 1 सेंटीमीटर मिलता है, और जब हम 2 सेमी के लिए निकालते हैं तो हमें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हमने साइज डबल किया यानी कि 1 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर किया, तो एरिया डबल नहीं होता है बल्कि 4 times bigger हो जाता है, डबल नहीं 4 times bigger हो जाता है, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या आएगा, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 times bigger देन द एरिया ऑल्सो बिकम्स 4 times bigger। 2 times की जगह पे क्या आएगा 4 times, ओके 4 times bigger हो जाएगा, 4 times बढ़ जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मैं जो आंसर के क्वेश्चन के आंसर लिखती हूँ वो आपको अपनी बुक में भी लिखनी है, ठीक है? ओके, अभी ये नाउ ट्राई, दिस इज अ पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3। हमने जो आगे परेड रूट देखा था उसका ये मैप है जो हमें जूम इन करके दिया है। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये जो रेक्टेंगल एरिया है वो है इंडिया गेट, ये क्या है इंडिया गेट है। ओके, सो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज, तो ये कौन सा एरिया है, ये इंडिया गेट है और ये है राजपथ। ओके, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। अब ये सेम जो है आपको ये 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में बड़ा करके दिखाना है। मैं आपको एक बॉक्स में दिखा देती हूँ, बाकी खुद आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, ये जो फर्स्ट दिया है आपको सेम ऐसे इधर बड़ा करके आपको दौड़ना है, बस वैसे ड्रॉ करना है और कुछ नहीं है। ये लाइक ऐसे है, ये ऐसे है, ये कुछ इस तरह से है। ओके, सिर्फ साइज बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये जो ये मेरे फर्स्ट बॉक्स दोहरा है, आपको ये सारे पार्ट इधर ड्रॉ करने, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड
रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर की ग्रिड में से 2 सेंटीमीटर में जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा शेप चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो सेम है ऐसा सेम दोहरा है, आपको ये सब सेम दोहरा है, शेप चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसकी साइज डबल हो जाएगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 3, इफ द परेड रोड मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल। ओके, तो हमें क्या बताएं, ये जो 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है, अगर ये है वो स्मॉल हो जाए, यानी कि छोटा कर दे हम, तो द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक, तो ये इंडिया गेट है, इधर विजय चौक आएगा। ओके, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना था, हमने देखा था, लिखा है बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल, तो ये मैप में उसका स्केल क्या आएगा। ओके, तो हम उधर हम पहले जाके स्केल देख लेते हैं, मैप में जाके उधर कितना स्केल दिया था। ओके, ओके, ये दिया है हमें, हम उधर हमने कितना छोटा करके दिया है, ये वाला ये एरिया हमें दिया है ये, ठीक है, ये था, ये विजय चौक है और ये रहा इंडिया गेट, तो इधर क्या स्केल है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो हमें उधर वो यूज़ करना है, याद रखना 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ओके, तो हम अभी इधर लिख लेते हैं जो स्केल था, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो मैं बताया कि अगर ये जो परेड का रूट है वो छोटा हो जाए तो द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक, इधर की इधर विजय चौक होगा और ये रहा हमारा इंडिया गेट। ओके, सो इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या, ये जो हम मैप छोटा करेंगे तब भी उसके बीच जितना डिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा, वो छोटा नहीं हो जाएगा, तो ये इधर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है, तो अगर हम छोटा करेंगे यानी कि 1 सेंटीमीटर भी कर देंगे तो उसका नाप कितना रहेगा, सेम 1 किलोमीटर ही रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ साइड छोटी कर रहे हैं, उससे डिस्टेंस हमारा कम नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राम, तो आंसर आएगा ये। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो उधर सब अलग अलग कंट्री से और अलग अलग स्टेट से अलग अलग डांसर्स आए थे, द चिल्ड्रन सो मैनी फ्लोट्स यानी कि झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड, अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांसर्स के डांस देखते हैं, डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, ये बोलती है ये जो कर्नाटका के डांसर्स हैं वो बेस्ट है, ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली, ये बोलती है कि सारे जो भी लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करके आते हैं दिल्ली तक, आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम, दे हैव टू ट्रैवल फार बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोज टू दिल्ली, तो ये बोलता है मुझे त्रिपुरा का डांस बहुत पसंद है, ये त्रिपुरा का डांस है, फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम, त्रिपुरा एंड सिक्किम दिल्ली से बहुत दूर है, तो इन लोगों को बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग करके आना पड़ता है, और जो हरियाणा और उत्तराखंड है वो दिल्ली के नज़दीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये नेक्स्ट पेज में हमें इंडिया का मैप दिया हुआ है। ओके, सो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दिस चिल्ड्रंस आर टॉकिंग अबाउट, जो बच्चे आगे बात कर रहे थे वो स्टेट्स हमें फाइंड करने, तो वो कौन से स्टेट की बात कर रहे थे, तो ये सारे स्टेट्स हम एक बार देख लेते हैं, वो ये है हमारा गुजरात, फिर ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये बिग स्टेट्स है सारे, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, वो त्रिपुरा बोल रहे थे, त्रिपुरा किधर है, ये रहा त्रिपुरा, तो ये सारे हमारे स्टेट्स है, ये इंडिया का मैप है। अभी हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, द कर्नाटका टीम्स स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डिरेक्शन, पहले मैं आपको डिरेक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके, तो इधर हमें डिरेक्शन दी हुई है, ये नॉर्थ साइड है, ये इस साइड है, ये नॉर्थ साइड है, अगर हमें ये बोला जाता है कि हमें इस मैप में नॉर्थ साइड पे जाना है, तो हम ऐसे अगर इधर भी है हम और उड़ीसा पे है
तो हमें नॉर्थ साइड में जाना है तो नॉर्थ साइड में क्या आएगा, झारखंड, बिहार एक्सेट्रा। सेम ऐसे ये ईस्ट की साइड में है, ऐसे आएंगे तो वेस्ट है और नीचे की साइड आएंगे तो साउथ है। तो ये हमें डिरेक्शन दी हुई है ताकि हमें पता चले हमें कौन सी डिरेक्शन में कौन सा स्टेट है। ठीक है, ओके, अभी हम क्वेश्चन देख लेते। द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर, अगर कर्नाटका की टीम है वो बेंगलोर से स्टार्ट करती है एंड मूव्स इन द नॉर्थ डिरेक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कर्नाटका किधर है, ये रहा कर्नाटका, ये इसका कैपिटल है बेंगलोर। अगर वो उधर से स्टार्ट करती है एंड मूव्स इन द नॉर्थ, तो ये रहा हमारा नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलती है। तो विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, तो कर्नाटका के जो लोग हैं वो दिल्ली, ये रहा दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के लिए नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो उन्हें कितने स्टेट्स क्रॉस करेंगे। तो अगर वो इधर से जाएंगे तो ये महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, ये उत्तर प्रदेश आएगा और फिर वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। तो आप इधर लिख सकते हैं महाराष्ट्र, यूपी और एमपी। ठीक है, ओके, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसका आंसर प्रॉपर वे में लिखना, द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डिरेक्शन, दे विल क्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैं ये जो क्वेश्चन के आंसर लिखती हूँ आपको साथ साथ में लिखते जाना है। ठीक है, ओके, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, तो जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली की नॉर्थ में है। सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रैवल टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, सो विच स्टेट्स डज इट क्रॉस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर वो दिल्ली के नॉर्थ में है और उस टीम को अगर साउथ की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ आना हो तो वो कौन से स्टेट क्रॉस करेगी। तो हम देख लेते हैं, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू एंड कश्मीर, उसको अगर दिल्ली की तरफ आना है तो वो कितने स्टेट क्रॉस करेगी, तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, वो दो स्टेट क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोनू लिव्स इन द गुजरात, नोनू है, नोनू करके एक लड़का है जो गुजरात में रहता है, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, और उसका जो दोस्त है जावेद वो वेस्ट बंगाल में रहता है। सो नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स, इन विच डिरेक्शन विल ही ट्रैवल, तो वो अपने दोस्त को मिलना चाहता है तो वो कौन सी डिरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो हमें क्या देखना है, गुजरात से वेस्ट बंगाल कौन से डिरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा गुजरात और ये रहा वेस्ट बंगाल। तो गुजरात से वेस्ट बंगाल कौन से डिरेक्शन में है, हमें कहाँ जाना है, ये ईस्ट की तरफ। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, टुवर्ड ईस्ट, तो ये रहा हमारा आंसर आएगा टुवर्ड ईस्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की नॉर्थ में कोई भी स्टेट है या नहीं वो देखना है हमें। ओके, तो ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की नॉर्थ, ये रही नॉर्थ साइड, तो उसके ऊपर कोई भी स्टेट्स नहीं है, ये लद्दाख है पर वो नॉर्थ में नहीं है, वो साइड में है, तो जम्मू कश्मीर की नॉर्थ में एक भी स्टेट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, अभी हमें देखना है गुजरात के वेस्ट में कोई भी है, तो ये रहा गुजरात, गुजरात तो एक ये है वेस्ट साइड, तो गुजरात की वेस्ट में कोई भी स्टेट्स नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नो, दोनों में नो आएगा, ये इसमें भी नो आएगा आंसर और इसमें भी नो आएगा, आप मेरे साथ साथ आंसर लिखते जाइए। अभी क्या, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट, अबे स्केल कितना दिया है हमें, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर, तो हमें क्या ढूंढना है, अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, तो दिल्ली से जयपुर कितना दूर है वो देखना है। तो इधर हम मैप में देख लेते हैं, ये रहा दिल्ली और जयपुर,
हाँ ये रहा राजस्थान में है जयपुर, तो इसकी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें देखना है। अगर आप रूलर से चेक करोगे तो ओके, स्केल पहले लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। ओके, तो आप अगर रूलर से चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर आएगा। कुछ का अलग भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें 1.2 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इधर करते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर है तो 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने होंगे, तो 1 इन प्लस कितने हैं 0.2 है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर है। अब ये 0.2 उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से भी कर सकते हैं, पर 0.2 है तो हम ऐसे 2/10 भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 200/10 करेंगे अगर तो कितना आएगा 20, तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट 240 या 250 तक आएगा। तो ये अबाउट है और अप्रोक्सीमेट आंसर है, प्रॉपर आंसर नहीं है। कुछ का अगर 1.3 भी आ सकता है, 1.4 भी आ सकता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 250 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर बी, एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, तो जयपुर से भोपाल कितना दूर है। तो ये रहा जयपुर और ये है भोपाल, तो ये भी हमें आप रूलर से इसको भी डिस्टेंस इसका मैच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम इधर ऑन द मैप, मैप पे कितना आएगा और ग्राउंड पे कितना आएगा वो चेक करना है, ठीक है। ओके, तो हम वो अगले, आप इसका होमवर्क भी कर सकते हैं, हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।